जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की कथा अध्याय 3 सुनाने जा रही हूँ। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी कथा ध्यान से सुनें। ऋषि गण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विज सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्रुत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्म परायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई रूखा शरीर चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उद्वत हुए जैसे श्री सीता के वियोग में संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी धर्मराज तथा और लोगों ने भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप न करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्म का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता है, यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगत पते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है, सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए।
प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विवल हुए सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभत्सो, आप मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी विदित नहीं है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेश महीने के दोनों पक्ष घड़ियां प्रहर त्रिप्रहर 6 ऋतुएं मुहूर्त दक्षिणायन और उत्तरायण वर्ष चारों युग इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है यह सब और नदी समुद्र तालाब कुएं बावली गड़ैया सोते लता औषधियों वृक्ष बांस आदि पेड़ वन की औषधियां नगर गांव पर्वत पुरियां ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में आग्रह्य है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग प्रभार रहित दुख से घिरा हुआ अति खिन्न मन चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर सष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद बोले, इस प्रकार अपनी पुण्य कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला। इसके आगे की कथा मैं पुरुषोत्तम मास कथा की 4वें अध्याय में सुनाऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री मन्नारायण जरूर लिखें।